260 ठाकुर दोस्तों, कई बार लोग जानना चाहते हैं मेरे बारे में, तो मैं आज उसी पे बताऊंगा कि हुई सनक ठाकुर। तो मेरा जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ, रायबरेली डिस्ट्रिक्ट है, सलवन के पास उदयपुर एक गांव है, जो मेरे मतलब मुझे मामा नहीं है सगे, तो मम्मी मेरे फादर जो थे वो घर जवाई बन के जैसे रहते थे ना, वैसे था सीन। तो मैं नाना के यहाँ पैदा हुआ, और बड़े दिनों नाना बिग शॉट लंबरदार आदमी, वहां कोई था नहीं देखने वाला, तो वहां हम रहे। और नाना ने मेरा नाम रखा सनत ठाकुर, जो है ना सनत, सनत नाम का भी एक है, अगर आप देखेंगे गूगल करेंगे तो आपको अंदाजा आ जाएगा। ये शुरू में जैसे तीन मुनि थे, ये सनत, सनंदन, सनत कुमार, बहुत सबसे पहले जिनको ये सृष्टि रचना करने के लिए बताया गया, बट उन्होंने किया नहीं। ऐसा पढ़ा, यही कंसर्न था कि पता नहीं, बड़ी बड़ा स्पेशल है, आप उसमें ज्यादा नहीं जाते। फिर मेरा बचपन वहां गुजरा, और उसके बाद मैं जब पढ़ने लायक हुआ तो मैं पूना आ गया, तो मेरे दादाजी पूना आए थे पहले, और फिर पापा भी आए, तो यहाँ मेरा पढ़ाई मतलब फर्स्ट क्लास से मतलब केजी भी गई होगी। तो वहां से मैंने यहाँ पर एक पूना स्कूल है, बीटी शानी नवीन हिंद हाई स्कूल, हिंदी मीडियम स्कूल थी रेलवे स्टेशन के पास, और मेरे फादर जो थे यहाँ पूना में बहुत पुरानी कंपनी थी राजा बहादुर मिल, वहाँ पे वो सर्विस करते थे, और उसी के कंपाउंड में हम लोग रहते थे जो बचपन में। और इस तरह से मेरा पढ़ाई चालू हुआ। और तो पढ़ने के बाद क्या हुआ, जो कंपनी थी वो प्रॉब्लम में आ गई, या मशीन आ गई थी ऑटोमेटिक, तो किसी वजह से बंद पड़ गई। तब मैं 9th-10th में था, तो काफी अड़चने आने लगी, घर पे सर्वाइवल तक का मुश्किल हो रहा था। तो फिर मतलब मैं जब कभी कभी ना पापा के साथ आर्मी कैंटीन में जाता था, तो ऐसी बात चली कि कैसे भर्ती होते हैं, तो पापा के एक दोस्त थे जिनसे वो CSD कैंटीन होती है, तो उन्होंने बोला कि ये भर्ती हो सकता है, और आर्मी ऐसा था कि आप 16 एज के बाद ज्वाइन कर सकते हो, बाकी प्राइवेट जॉब नहीं कर सकते थे। और मैं 10th पास हुआ था, 11th में गया, 11th में मैं फेल हो गया, क्योंकि हिंदी मीडियम से हम सीधा इंग्लिश मीडियम में गए, क्योंकि हिंदी मीडियम कॉलेज नहीं था पूना में तब, कोई बड़ा मुश्किल हो रहा था, तो नकल मारने की कोशिश की, और नकल मारते पकड़ा गया, और मुझे जो फेल होना पड़ा, और हमारे बड़े स्ट्रिक्ट थे जो प्रिंसिपल थे, और वापस से 11th में मुझे पढ़ना पड़ा। और फिर मेरा थोड़ा सा लगा कि यार चलो आर्मी वगैरह, मतलब पापा बात कर ही रहे थे, आर्मी के लिए मैंने ट्राई करना चालू किया, क्योंकि बहुत मुश्किल होती थी, कंपनी बंद थी, पैसे का सोर्स नहीं था। तो आर्मी में जब गया तो ये 1991, देखो 1990 में इशू हुआ था, सद्दाम हुसैन का सब इशू चला था, और शरद पवार जी उस टाइम डिफेंस मिनिस्टर थे, तो एक PRTC प्री रिक्रूटिंग ट्रेनिंग कोर्स चलाया था यहाँ पे, एक आर्मी हॉस्टल है पार्वती के पास, तो वहां पे मुझे ट्रेनिंग दी गई 2 महीने आर्मी में भर्ती, क्योंकि कैसे होते हैं, तो मुझे वहां पे रनिंग और वो सारी चीजें बताई गई, और जब टेस्ट हुआ तो मैं पास हो गया आर्मी में, क्योंकि हमने 2 महीने ट्रेनिंग दी थी उसकी, तो पास होना मतलब हम मेरे ख्याल से 48-50 बच्चे थे, एक आध कोई फेल हुआ था, सबके सब सिलेक्ट हो गए। अब सिलेक्ट हो गए तो मैंने मतलब टेक्निकल और क्लर्क और एक नर्सिंग, ऐसे दो तीन मतलब चीजें होती थी। कई लोग मुझे सोचते हैं कि आर्मी में ऑफिसर होंगे या कुछ, तो ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, मैं एक सोल्जर जैसे भर्ती होता है वहां से मैंने आर्मी ज्वाइन किया था। तो मेरी हाइट ठीक थी, तो मुझे बोला गया कि आप टेक्निकल में चले जाओ, क्लर्क में छोटा हाइट भी चलता है, तो मुझे क्या बस मिल जाए कुछ, ऐसा था, ज्यादा जानता नहीं था आर्मी के बारे में, तो आर्मी इस तरह से ज्वाइन कर ली 1991 में, मुझे याद है मैं गोवा में ट्रेनिंग, वहां पे सिग्नल्स, कोर ऑफ सिग्नल्स में मेरा हुआ, और मैं वहां पर ट्रेनिंग के लिए गया था, 24 अप्रैल को मैंने ज्वाइन किया था आर्मी। अब वहां पर ट्रेनिंग 6 महीने होती है, बेसिक ट्रेनिंग जो होती है, उसके बाद हम लोग टेक्निकल थे, तो हमारा पोंडा वहां पर गोवा में है जहां पर ट्रेनिंग होती है, तो सिग्नल मैन बन जाते हैं कसम परेड वगैरह रखने के बाद। तो इस तरह से आर्मी की, आर्मी में फिर वहां पे एक साइफर ट्रेड होता है जिसमें मैंने कन्वर्ट किया, तो जहां पे सीधा सिपाही से आप हौलदार बन जाते हो, तो ज्यादा दिन मैं ऐसे सिपाही, लांस नायक, नायक ऐसे प्रमोशन होता, वैसे नहीं, हौलदार बन गया था मैं 5 साल के अंदर ही आर्मी में।
उसके बाद मेरा वहां से गोवा से जो पहली पोस्टिंग गई नगरोटा जेएनके में गई, 16 कोर है वहां पर। उसके बाद मैं वहां से साइफर बन गया, हिसार में पोस्टिंग गई मेरी। हिसार के बाद मैं दार्जिलिंग सुखना में गया, सुखना से मैं पूना आया ट्रांसफर, और पूना से कारगिल जो है वहां पर गया। तो इस तरह से मेरा रहा, और वहां से मैंने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट के लिए दे दिया। और 15 साल 11 महीने आर्मी में करने के बाद, क्योंकि 15 साल के बाद आपको सारे बेनिफिट जो होते हैं आर्मी के, पेंशन हो गई या मेडिकल बेनिफिट या कैंटीन लिकर ये सब मिलते हैं। तो मैं आ गया था 2007 मार्च में, मैंने मतलब घर आया। फिर मेरे पापा यहाँ पर एक कंपनी में काम करते थे, फिर कई अगर रियल स्टेट में है तो जानते होंगे, VTP रियल्टी जो है पुणे में, वहां पे मुझे भी जॉब मिल गई पापा की सिफारिश से। तो अप्रैल में आते ही एक दिन भी नहीं बैठा, मुझे वहां जॉब मिल गई करने लगा। अब ये सब के दौरान जब मैं आर्मी में था और पुणे में मेरा ट्रांसफर हुआ था, तो एक एमवे कंपनी थी और सपने बहुत बड़े बड़े थे। तो एक दोस्त ने मुझे इसमें इंट्रोड्यूस किया था कि भाई ये कर ले सनद, तो अच्छा कर सकता है। तब 4,400 की एक किट आती थी, फिर उसमें लोगों को मेंबर्स बनाना पड़ता था। अब कुछ बाकी अपने पास तो ऐसा पैसा नहीं था कि कुछ करेंगे, और वो बोला पार्ट टाइम स्पेयर टाइम में करना है, तो मैंने ज्वाइन कर लिया। और फिर ये ज्वाइन किया था आर्मी में रहते हुए, 2002 में ज्वाइन किया था। फिर मेरा बिजनेस चल गया, मैं बहुत भागा दौड़ा उसमें, और अच्छी टीम बनाई। 12-15% पर मैं जब गया तो मेरा मतलब पोस्टिंग हो गई थी कारगिल। तो वहां तो सब बर्फ है, लेह लद्दाख है, मतलब वहां पे कोई चांस ही नहीं था। तो पूरा ग्रुप खत्म हो गया, कुछ लीडर थे अच्छे जो बचे थे। तो जब रिटायर होके आया तो यही था कि मैं एमवे वापस से बिल्ड करूंगा, मुझे बड़ा मजा आता था। और हाईली मोटिवेटेड एकदम फायर्ड अप एक्साइटेड बंदा। तो जब आया तो जब प्राइवेट जॉब में करने लगा तो उसमें फिर भी टाइम नहीं दे पा रहा था। तो मैं अपने मेंटर से मिला, मिस्टर डॉक्टर रघुनाथ आचार्य हैं, वो एमवे में थे। उन्होंने ही मुझे रियल स्टेट में भी लाया, मैं उनको बड़ा गुरु मानता हूँ। वो जो कह देते हैं बस उसके आगे मैं नहीं सोचता। तो उनसे बोला कि मैं ये कर रहा हूँ पर मैं करना चाहता हूँ इसको जोर से। तो बोला आर्मी से क्यों आए थे? मैंने कहा ये एमवे करने के लिए। तो बोला अभी तो तुम और कुछ कर रहे हो। बस मैंने जॉब रिजाइन कर दी। जॉब मतलब मस्त सही जॉब थी, मतलब परचेज देखता था मैं। उसके बाद तो ये मेरा प्राइवेट जॉब रहा, मतलब ज्यादा नहीं, मुश्किल से 5-6 महीने। फिर मैंने छोड़ दिया और फुल टाइम एमबी करने लगा। मैंने कहा अभी ना बंद बिजनेस करो या मरो, अभी क्या है दोनों चीज सेफ सोचेंगे तो कुछ नहीं होगा, तो एक बार करके ही देख लेते हैं। भैया मैंने अपना जितना भी आर्मी का प्रोविडेंट फंड ग्रेच्युटी ये सारा पैसा था शेयर मार्केट में लगा। एक दोस्त मिल गया तो यहाँ लगा, इतने रोज मतलब महीने में इतना कमाएगा और मैं ये करूंगा। उस चक्कर में मतलब पहला झटका मुझे शेयर मार्केट में लगा, मेरा 50% जो भी मैं आर्मी से लाया था उतना डुबा दिया मैंने। मैंने इंडिया इंफोलाइन के साथ अपना डीमैट अकाउंट खोला था और काफी पैसा डूब गया। मुझे जीरो नॉलेज, वो लोग सब मेरा मतलब हैंडल करते थे, जो बायस शेयर कर करके मेरा लॉस हो गया। बड़ा सदमा लगा यार, एक एक की आर्मी की गाड़ी कमाई तो वो यहां से मिस हो गई। अच्छा अब फिर एमवे किया, एमवे में मैं खूब मेहनत किया और सितंबर में मैं सिल्वर बन गया इनका। और सिल्वर के बाद फिर पलट के नहीं देखा, गोल्ड बना, प्लेटिनम बना, फाउंडर प्लेटिनम बना। उसके बाद फॉरेन ट्रिप मिलती है हमको, पहले दिल्ली भेजा जाता है, प्लेटिनम फोरम बोलते थे, वहां गए एंजॉय किया। फिर हमारी मलेशिया में ट्रिप गई थी, पेनांग में हम लोग गए थे ट्रिप पे। उसके बाद रूबी बना, तो ऑस्ट्रेलिया मेलबोर्न में हम ट्रिप पे गए। काफी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन था, सब अच्छा चल रहा था। तो 2012 में 13 में यू नो 2013 में मतलब, तो 7 से लेके इतने दिन एमवे में रहे करता रहा, 6-5 महीने प्राइवेट जॉब और उसके बाद एमवे। और अब मेरा फिर कुछ लफड़ा हो गया आपके साथ, मतलब वहां पर ऐसा था वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है तो आप काउंटर पे सेल नहीं कर सकते, शॉप सेलिंग अलाउ नहीं थी। पर कुछ हमारा ऐसे हुआ, किसी ने कंप्लेन कर दी, क्या हुआ, बड़ा लफड़े हो गए, अपलाइन डाउनलाइन टूल्स ये वो, तो हमको टर्मिनेट कर दिया गया। मतलब शॉर्ट में करे तो स्टोरी, तो हम ऐसे टर्मिनेट हुए हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं इनकी कंपनी उनको निकाल दे, कोई फर्क नहीं। मैं 2013 में मकर संक्रांति के दिन मैंने रियल एस्टेट करने का सोचा था कि मैं जो कर रहा हूँ
तो हमारे जो आचार्य सर थे वो उनके पास में जाता था एमबीए के लिए, तो एक आध शॉट ऐसे रेंटल वेंटल सेम सोसाइटी में मार देते थे, बोलते थे यार 30,000 आ गया ऐसे, तो मैं मेरे को अच्छा लगता था साइड में आ जाएगा इनकम। तो रील से मुझे लगा कि कुछ लगाना तो है नहीं, करते करते देखेंगे होता है। तो मकर संक्रांत 2014 को मैंने सोचा था करूंगा, पर जब ये टर्मिनेशन का आ गया तो फुल टाइम मेरे पास चारा नहीं रहा, अब तो मुझे करना है तो रियल एस्टेट करना है। कुछ दिन तक मैंने आचार्य सर से मिलकर काम किया, पहले खुद किया पर वो सक्सेस नहीं मिल रही थी, फिर उनके साथ मैंने चालू किया। 2-3 महीने के बाद मैंने सोचा कि अब मैं खुद का करता हूँ, यू नो, तो खुद का मैंने चालू कर दिया और फिर पीछे मुड़के नहीं देखा। मेरे स्टार्ट ही एकदम, मुझे सोचने का मौका ही नहीं मिला ये चलेगा नहीं चलेगा। पहले हफ्ते में डील, पहले महीने में 3-4 डील, मतलब पैसा ही पैसा, जहां पे जाने का 50,000-1,00,000 जेब में, ऐसा जीन्स रहती थी, मेरी चाबियां भरी रहेगी, अकेला वन मैन आर्मी, कोई ऐसे नहीं 10 लोग, क्योंकि एकदम हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग से आए थे, तो कन्विंस करना, प्राइस का बताना, ये रोज का धंधा था। और हजारों लोग की टीम थी, लीड पहले से हम करते थे, लीडर थे वहां पे, वो तो कंपनी ने निकाल दिया, नहीं तो मैं एमराल्ड क्वालिफिकेशन में था तब। तो ठीक है, अब भैया रियल स्टेट चालू हो गया, जब इतना फास्ट स्पीड पकड़ा, पहले मैं रोड पे ऐसे भाग दौड़ के अकेले करता था, फिर लगा कि ऑफिस ले लेनी चाहिए, तो उसके पास ही एक नया मॉडल निकाला कि एक सोसाइटी पे ही काम करूंगा मैं, उसका डेटा वगैरह मिल गया था, एमवे का एक बंदा था उनके ऑफिस में, उसने सब दे दिया था, तो मेरे लिए काम आसान हो गया। तो नई सोसाइटी थी, बड़ी सोसाइटी है, रोहन मिथिला है विमान नगर में, अगर आप लोग कभी जानेंगे तो, और वहां हमने काम चालू किया और पलट के नहीं देखा। तो शुरू से मेरा टारगेट रहता था 4 आउटराइट 12 रेंटल, वो कभी मिस नहीं किया जब तक मैं खुद करता था। फिर जब मिलने लगी तो लगा यार अब अकेले क्या भागेंगे, एक बंदे को रखा, तो एक बंदा था विपिन शर्मा नाम से, उसको पहले मैंने रखा, उसने अच्छा काम किया, उसके साथ कुछ दिन काम किया, फिर एक और ऑफिस हमने खोला, वहां पे विपिन को लगाया, देन विपिन ने खुद का वहां चालू कर दिया थोड़े दिनों बाद। फिर उसके बाद कई लोग आए ऑफिस में, मतलब और करते गए इस तरह से। तो ये रियल एस्टेट की मेरी जर्नी है, अभी 2014 में चालू किया था, 10 साल अभी हमने कंप्लीट किए हैं इसी जनवरी को। काफी उतार चढ़ाव आए, बताया तो बड़ा आसानी से रहा हूँ, लेकिन ये आसानी से सफर नहीं रहा, इसमें बड़े बड़े हादसे हुए, अच्छे अच्छे लोग होते तो छोड़ के चले जाते, जिसमें से एक है कि एक बार मुझे ना एकदम मेरा मर्डर करने के लिए आ गए, कुछ प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था, पूरा कार में भर के जैसे ना तलवार हॉकी ऐसे, तो वो सोचो ऐसे सीन भी देखे हमने कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, पर मैं डरा नहीं, जो था यू नो फेस किया। मेरा कोई ऐसा गॉडफादर नहीं था जो मुझे इसमें सिखाए कि क्या रहता है क्या नहीं है, खुद गलतियां की सीखते गया, लेकिन वही है कि बार बार एक ही गलती नहीं की, तो इस तरह से। पर आज जो भी हूं मैं, मतलब जितने भी, और बीच में मैं काफी ऐसे, क्योंकि एमवे में न्यूट्रीलाइट एक ब्रांड था जो हेल्थ केयर का था, तो मैं न्यूट्रिशनिस्ट था कभी, तो मुझे आज भी मतलब बहुत लोग डॉक्टर मानते हैं तो क्या, और मेरा इलाज एकदम 100% पहले भी था, मतलब जिसको बातों से ही मोटिवेट कर देता था, उसका सब दुख दर्द दूर, तब के टाइम पे ना 700 मेरा मिलने का लगता था पैसा, सीरियसली बोल रहा हूँ, बताया क्या, मजाक नहीं करता मैं। तो उसमें भी ऐसा था कि किसी को सप्लीमेंट दे दिए, वो पहले डायलिसिस पे था, देन उसका विकेट चला गया, मतलब बहुत बुरा हुआ, पर मेरे वजह से नहीं, बट वजह से मेरे को डरा दिया, मैंने बोला यार ये गलत, तब मैंने वो छोड़ दिया। फिर पहले मैं कितने भी क्रिटिकल से क्रिटिकल पेशेंट को भी ठीक कर देता था, ऐसा हाथ था। तो भाई उसके बाद फिर रियल एस्टेट अभी कर रहा हूँ, उसके जब मैं रियल एस्टेट करता गया तो मुझे मजा था, एमवे में बोलने की आदत पड़ी थी, रिकग्निशन, स्टेज पे जाओ, अपना नाम, प्रोफेशन, ड्रीम बताने का, वो मिसिंग था, यहाँ पे इतना रिस्पेक्ट नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि यार क्यों ना चलो रियल एस्टेट पे वीडियो बनाए। और मेरी लाइफ का एक इंसिडेंस है जहाँ पे मैंने भगवान को ऐसा देखा है, ऐसा कोई फिगर नहीं दिखती, एक लाइट को देखा है, उस पर वीडियो है, तो वो पहला वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाला था बहुत पहले, कि तब मुझे पता भी नहीं था मोनेटाइजेशन होता है, ये होता है, आप सोचो ना 10 साल पहले की बात है। पर वो वीडियो मैंने सोचा कि दुनिया को बताऊंगा कि आप सच्चाई से चलो, ऊपर वाला आपके साथ है, एंड गॉड प्लस यू इज मेजोरिटी, इफ गॉड इज विद यू हु कैन बी अगेंस्ट यू। बस मैं तो हमेशा भगवान के साथ से ही आगे बढ़ते जा रहा हूँ, और डरता पहले से ही नहीं था मैं, मेरे को डर कोई काम नहीं था, तो बड़ा रिस्क लेना, एडवेंचर पसंद है, हो सकता है फौजी के नाते वो एटीट्यूड आया, जो भी कारगिल प्रॉपर्टी जो नाम पड़ी है उसके पीछे भी स्टोरी है, कि मेरा बेटा जो है वो उस ड्यूरेशन में हुआ जब कारगिल का चालू था वॉर,
तो मैंने एक डिसाइड कर लिया था, जो भी करता हूँ पैशनेटली करता हूँ। तो मैंने कहा अगर बेटा हुआ तो उसका नाम कार्तिक रखूंगा। वो डिसाइड के कारण उसका रखा 2000 में, उसका बर्थ हुआ था, मतलब 99 में वो इशू चालू हुआ था अगर याद हो तो। तो कारगिल बेटे का नाम है मेरे, और उसी की वजह से फिर कारगिल प्रॉपर्टीज पड़ गई। फिर थोड़ा सा रिलेट करेंगे ना, फौजी है, ट्रस्ट वाली बात भी आ जाती है कि बंदा गलत नहीं करेगा। तो यहाँ तक आया तो ये यूट्यूब चैनल ऐसे वो भगवान का बनाया। फिर वो एक बेसिक का वीडियो मैंने अपने खटारा से ऑफिस में नॉर्मल मोबाइल जो था उससे शूट करके डाल दिया। हमारे ऑफिस में एक बंदी ज्वाइन हुई थी जो कि हमारी टेनेंट थी, हमसे घर किराए पे लिया था, सिंगापुर से आई थी। और वो बंदी ने काफी ऑफिस वहीं पे, फिर उन्होंने जॉब भी चालू किया, और वो ऑफिस को काफी उसके आने से मजबूती मिल गई, और थोड़ा सा मुझे भी ढंग का इंसान बनाया। मतलब पहले मैं उतना बिंदास रहता था, ज्यादा ब्रांड ये वो एप्पल विप्पल पसंद नहीं था, बट फिर वो थोड़ा एम्बिशियस थी, तो मैं थोड़ा सा उसके बाद हर चीज मेरे को ब्रांड ही अभी अच्छी लगती है, द बेस्ट, माय टेस्ट इज सिंपल, आई लाइक द बेस्ट। तो ऐसा हो गया। फिर काफी और बंदे आए, सबके नाम लेना मुश्किल है, बट ये मैंने एक सिंपल बताई। अब इसके अंदर जो मजे थे ना, कभी सेकेंड पार्ट अगर आप लोग बोलोगे कि सर ये तो बता दिया आपकी जर्नी, बट मजे की चीजें जहां पे आपको सीखने को मिले तो बताओगे, तो सेकेंड पार्ट बनाऊंगा जिसमें सारे शुम शुम वाह फाइट जो आपके साथ होता है ना, वो आपको पता नहीं सर कितने मुश्किल है क्लाइंट को बेचना, ये तो ऐसा है हमारे सिटी में, ये नहीं है हमारा, वो है, आपके चैलेंजेस ऐसा खुश हो जाएंगे मेरे चैलेंज के सामने, मैं जब गिना नहीं दूंगा। अगर देखना है तो इतने धमाकेदार इसमें कमेंट है, देखना है देखना है देखना है। 50 से कम रहेंगे तो मैं तो आऊंगा ही नहीं, मैं तो अभी 100 का टारगेट देने वाला था, पर पहली बार ऐसा दे रहा हूँ। तो ये है, ये करोगे तो फिर बनाऊंगा मजे का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।